Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Tanish Walik. I am Tanisha Jaiswal, second professional MBBS student in RSMC Ayodhya. So आज का टॉपिक होने वाला है तुम्हारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. जैसे कि हम जानते हैं कि हम काफी मेहनत करते हैं, बट तब भी काफी बच्चों का सिलेक्शन हर साल नहीं हो पाता है क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है कि पेपर को कैसे अटेंड करना है इन एग्जामिनेशन हॉल. और कितने बच्चों के क्या है ना कि पेपर आते हुए भी उनके कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि उनने सफिशियंट उस स्ट्रैटेजी से प्रैक्टिस नहीं की होती है कि वो पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाए या टाइम से पहले कंप्लीट कर पाए. आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि तुम अपनी क्वेश्चन की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो विद एक्यूरेसी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड सब गलत होते जा रहा है. दैट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट मैनर टू सॉल्व क्वेश्चन. स्पीड बढ़ाना उसको नहीं कहते हैं. स्पीड बढ़ाना उसको कहते हैं कि आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं. सारे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं किसी के भी. हाँ, वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, बट वी आर अ एवरेज स्टूडेंट, सो वी विल फोकस कम टाइम में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट कि तुम्हें 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसे तुम्हें पढ़ना है. यार मुझे पता है ये बहुत अच्छे से कि अगर तुम्हें 180 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, बट तुम ऑप्शनल क्वेश्चन जो तुम नहीं करने वाले हो उसको भी तो तुम पढ़ने में टाइम दोगे ही ना. एग्जामिनेशन हॉल में हर एक मिनट जो तुम लगा रहे हो वो मैटर करता है. तो अगर तुम वो क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो जो तुम्हें छोड़ना है, उसे समझ के हम कैसे कोई क्वेश्चन को छोड़ते हैं. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम उसे समझते हैं, उसको सिंक करते हैं, फिर हमको समझ में आता है कि यार ये तो मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, या इस चैप्टर जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है उसमें तो हमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो वी आर लिविंग दिस क्वेश्चन. बट उसको पढ़ना, समझना, रिकॉल करना, उसमें भी तो टाइम लगता ही है. ये जो तुम्हारा दिमाग माइंड सेट होता है ना कि हमें 200 क्वेश्चन करना है 200 मिनट में, ये बिल्कुल गलत है. तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे. जब हमारा 3 घंटे का पेपर होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट मिलते थे, क्योंकि उधर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं जो तुम्हें पूरी करनी होती है. इन्विजिलेटर होता है, साइन वगैरह, वीडियोग्राफी, जिसमें आप थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. तो वी विल नेवर कंसिडर कि हमें वो पूरी टाइम मिल रही है. तो अब तुम अपना सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो कि तुम्हें 180 क्वेश्चन को अप्रोच करना है सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में. तुम्हारे पास एक्स्ट्रा के आधे घंटे नहीं है, वो तुम्हारे जाने ही जाने हैं. तो अब तुम जो स्ट्रैटेजी बनाओगे ना वो है पेपर सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में. ठीक है, 2 पॉइंट्स और मैं बताऊंगी. OMR भरने की स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, बट उस पॉइंट को बताने से पहले मैं करना चाहती हूँ एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट तुम लोग के. हम सबके बीच में लाखों डिफरेंसेस होने के बाद भी एक सिमिलैरिटी सबके अंदर ये रहती है कि हमारे और तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सपना होता है जिसको हमें पूरा करना है और उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं. तो तुम सोचो, अगर तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें एक ऐसा साथी मिल जाता है जो तुम्हारे सारे हर्डल्स एंड मुश्किलों को इजी कर दे ताकि तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाओ. सो मैं बात कर रही हूँ ऐसे साथी की जो हमेशा से बच्चों का साथ देते आया है. #, सपने देखने की आजादी. इस आजादी के उत्सव पर PW लेके आया है ढेर सारे उपहार. इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे PW के सारे बैचेस में बहुत अच्छे ऑफर्स हैं. तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से अपने बैचेस लो एंड आजादी का फायदा उठाओ और अपने प्रिपरेशन में चार चांद लगा. सो लेट मी टेल यू अबाउट PW बैचेस. PW बैच 1 इज यकीन 4.0 बैच, विच इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट नी ड्रॉपर बैच फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नी 2024. उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3200 एंड क्लासेस विल कमेंस फ्रॉम 28th of August. सेकेंड बैच इज अर्जुना नीट 3.0 2024 बैच, सेम प्राइस 3200 फॉर क्लास 11th स्टैंडिंग स्टूडेंट. एंड द थर्ड बैच इज लक्ष्य नीट 3.0 2024 बैच, द प्राइस इज 3200 एंड इट्स फॉर 12th स्टैंडिंग स्टूडेंट. ये सारे बैचेस में PW आपको दे रहा है
India's top educators, DPP with solutions, PDF scheduled test होंगे and 6 days class होगी per week and 3 live lectures per day. For 11 studying students courses के साथ साथ आपको मिलेगा pocket courses only in ₹49 जिसमें आपको मिलेंगे one shot video and 50 questions of quiz जहां से आप उस related topic को पढ़ के क्वेश्चन भी कर सकते हो. दिस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल कि आप अगर किसी टॉपिक में अच्छे नहीं हो तो यू कैन यू. बैचेस के साथ हर बैच के साथ एसोसिएटेड एक बुक सेट है जिसमें आपको मिलेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स अलोंग विद नीड टू नो पॉइंट्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस जिसको आप सॉल्व कर लो. सो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर एनी टॉपिक प्रिपरेशन. आपको मिलेंगे PYQs, आपको मिलेंगे solutions of all the questions जो आप सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हो. सो ये मौका को गवाओ नहीं. जल्दी जल्दी से यूज माई कूपन कोड TAN150 टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 150 ऑन एनी कोर्स दैट यू बाय. सो मूविंग बैक टू द वीडियो, इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट में मैं आती हूँ, सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, तुम अब से ही अभी से ही OMR के प्रिंट निकलवा लो. मैंने अपने टाइम में 75-80 प्रिंट आउट्स निकाले थे OMR शीट के, और मैं जब भी बायो के क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो OMR में ही करती थी. फिजिक्स का सॉल्व करना होता था, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का, तो मैं उसे कभी कभी कॉपी में DPP भी सॉल्व कर दो OMR पे कर लेती थी. बट मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो देख के हो जाते हैं, ठीक है, उसको मैं OMR में करती थी. फिजिक्स के क्वेश्चंस जो देख के ही हो जाते हैं उसको OMR में करती थी. एंड अभी से जितने महीने तुम अभी से ही OMR में करो, तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. एट लास्ट तक मेरी स्पीड हो गई थी कि मैं 180 क्वेश्चन की बबलिंग सिर्फ और सिर्फ 6-7 मिनट में कर लेती थी. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अभी से OMR बढ़ना है. तीसरा पॉइंट क्या है ना कि तुम जब भी पढ़ो तो एक टाइमर लगा के पढ़ो. अगर तुम लेक्चर भी कर रहे हो तो यू शुड हैव अ ट्रैक ऑन कि तुम क्या चीज कितने मिनट में कर रहे हो. अगर तुम सारे अपनी एक्टिविटीज के टाइम ट्रैक करोगे ना तो यू विल हैव अ ग्रिप ऑन योर टाइम कि क्या चीज में तुम्हें टाइम ज्यादा लग रहा है, क्या चीज में कम लग रहा है. कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम एक टॉपिक लेके बैठते हैं, घंटों लग जाते हैं उसे करने में. मुझे लगता है यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बट दैट इज नॉट योर इफेक्टिव स्टडी. आप एक टॉपिक चूज करो, आप टाइमर लगाओ कि ये टॉपिक मुझे 2 घंटे के अंदर खत्म करना ही करना है. और 2 घंटे में अगर आप खत्म नहीं कर पाओगे ना तो भी आप 2.5 घंटे लोगे, बट उसको 4-5 घंटे तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे. तो आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन नहीं होगा घंटे को लेकर के, यार मैं तो 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ. बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आपका पढ़ना नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, आप क्वेश्चन को हमेशा टाइम लगा के दो करो. एक टारगेट ले लो, 10 क्वेश्चन पहले 10 मिनट में करेंगे, फिर धीरे धीरे उस टाइम को डिक्रीज करो. ठीक है, ऐसा नहीं होना है कि आप पूरे साल, आप पूरे महीने या पूरे वीक बिना टाइम को कैलकुलेट किए आपने पढ़ाई की, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप जब पेपर दे रहे हो तो आपने टाइमर सेट कर दिया. आपका दिमाग है ना ट्रेन है ही नहीं कि आप टाइम के पहले कुछ काम कर लो, फिर अचानक से आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे. तो अभी अगर आपको टाइम से पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको टाइमिंगली इन लिमिटेड टाइम आपको हर चीजें करना है, चाहे वो कोई टॉपिक कंप्लीट हो, चाहे कोई लेक्चर कंप्लीट हो, चाहे आप लिख भी रहे हो ना वो भी, कोई रिविजन कर रहे हो, तो फिर आप है ना अपने आप को क्या ट्रेन कर लोगे कि आई एम कम्प्लीटली टाइम ओरिएंटेड. मैंने अपने आप को जितना टाइम असाइन किया है उतना काम करने के लिए, वो उतने काम में ही होना चाहिए. अगर आपके अंदर ये गुड हैबिट आ गई तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. आप कुछ भी करोगे ना टाइम से करोगे, एंड उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर करोगे तो आप एक बहुत ही आइडियल पर्सन बन जाओगे. जिसको कहते हैं ना कि यार तुम्हारे दिन में 24 ही घंटे होते हैं क्या, क्योंकि तुम तो काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेते हो. तो ये जो ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट पहले धीरे धीरे सीखा जाता है. एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू कैन लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. ओके,
सो अब से हर चीज टाइमर लगा के करना है। मैं तुम्हें ना एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीक्रेट बताने वाली हूँ जो तुम मेन एग्जामिनेशन और तुम्हारे मेन टेस्ट में यूज कर सकते हो। जैसे OMR शीट लो एंड तुम ऑप्शन टिक करते हो, तो जब हम OMR भरते हैं ना तो ऐसे 1 और 4 के बीच में कभी कभी हम टिक कर देते तो हमें लगता है यार 1 है कि 4 है, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं और कभी कभी OMR इसकी वजह से भी गलत हो जाती है। तो तुम क्या करना ना कि तुम क्वेश्चन नंबर के नीचे ऑप्शन लिख देना, तो जब तुम OMR फिल करोगे ना तुम्हारे कम से कम 3 से 4 मिनट बच जाएंगे चेक करने में कि मैंने सही ऑप्शन का OMR भरा है कि नहीं। तो 3 से 4 मिनट भी बच गए ना, समझ लो तुमने 2 क्वेश्चन और पढ़ने का टाइम मिल गया। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और एक लास्ट मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ कि पूरा OMR 180 साथ नहीं भरना होता है, पहले बायो कर लिया पूरा, फिर बायो भरो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और 4:45 में तुमने जितने क्वेश्चन करे हैं तुम पहले सबके OMR भर लो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो उसके साथ साथ OMR भरोगे ना, सो दैट विल बी रियली अ वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन एंड फिलिंग द OMR साइमल्टेनियसली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।